अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मेरी वीडियो आपको देखने को मिले। जी, आज गैस बंद था घर में, बिल्कुल भी सारा दिन गैस नहीं आया था, तो फिर हमने नाश्ता तो करना ही है, तो फिर भूख लगी हुई थी इतनी ज़्यादा शदीद, तो हम चले गए बन्नू भी पुलाव खाने के लिए। तो रास्ते में इतना ज़्यादा रश था, इतना ज़्यादा रश था कि इंतहा ही है कोई। तो लोग एक दूसरे को कट्टे मार मार के आगे जा रहे थे, तो बहुत लोग, तो जो लोग फैसलाबाद में रहते हैं उनको तो पता ही होगा कि फैसलाबाद जंग बाज़ार में सही लोकेशन का तो मुझे पता कोई नहीं, तो उनके आगे वो ब्रांच भी है, मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ के बहुत मज़े के पुलाव है, तो अगर कोई यहाँ पे फैसलाबाद में है तो यहाँ पे ज़रूर विज़िट करिएगा कि बहुत मज़े के इनके पुलाव होता है इनका। तो जिसने खाने हैं आ जाएं, आपको ले जाऊंगी, खिला लाऊंगी आप सबको भी। तो जी, पुलाव खाओ और बोतल ना पियो तो ये तो हो ही नहीं सकता ना, बोतल के बगैर तो मज़ा ही नहीं आता पुलाव का। तो जी, यहाँ पे मैं अपनी बोतल इंजॉय कर रही हूँ, और यहाँ पे भी घर आके फिर गैस आ गया था। इतनी गर्मी है, इतनी शदीद गर्मी है, धूप इतनी तेज़ होती है, फिर भी पता क्या है, इनको गैस तो बंद करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये मेरे मटर, शलजम और पालक डाले हैं, लोग समझेंगे कि ये पागल है मटर भी डाल रही है। ये मेरी फ्रेंड ने एक बार मुझे सालन भेजा था, उसमें मटर तो उन्होंने भी इसी तरह मटर डाले हुए थे, तो बहुत मज़े का लगा था। तो उसके बाद मैं फिर मटर डालती हूँ। ये यहाँ पे मैं शाम के टाइम चॉकलेट खा रही थी, तो भाई लोग आ गए थे, उन्होंने बोला था कि भाभी चाय बना दो, तो फिर मैं चाय बनाने लगी शाम के टाइम। वैसे भी मैंने कहा चलो पी लेते हैं, सारा दिन कुछ आज चाय नहीं थी पी, तो रोटी खाने का दिल नहीं था कर रहा, तो मैंने कहा चलो जी आज मैक्रोनी बनाते हैं। तो यहाँ पे मैक्रोनी और आलू बॉईल कर रही हूँ। आलू मैं आपको बताऊँगी कि मैं क्यों बॉईल कर रही थी कल की वीडियो में। तो यहाँ पे मैं मैक्रोनी बना रही हूँ, आज मेरा चिकन ख़त्म हुआ था, तो फिर इसलिए मैंने मटर वाली बना ली, आलू और मटर वाली। यहाँ पर मैं स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ, तो सोया सॉस, सिरका और चिली सॉस ये ऐड किया, और अच्छे तरीके से इनको बना के। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से बॉयल्ड आलू भी डाल लिए थे। तो यहाँ पे मैं कनौर का मसाला डाल रही हूँ कि इसमें अच्छा सा टेस्ट आ जाए। तो यहाँ पे अब हमारी माशाल्लाह से मैक्रोनी भी तैयार होने लगी है, और ये बॉयल मैक्रोनी डालेंगे हम, तो माशाल्लाह से बहुत मज़े की बनी थी। और इस पर जब केचप डालें तो और भी मज़ा, बहुत मज़ा आता है जब ये केचप डाल के खाएं, तो जिसको मैं जब लोग अच्छा लगो आज। तो यार, वीडियो को लाइक कर दिया करें, आपके एक लाइक करने से कुछ नहीं होता, अगर किसी को अच्छा लगा हो तब भी लाइक कर देना, ना अच्छा लगा हो तो तब भी लाइक कर देना, ऐसे इंसान को मोटिवेशन मिलती है और मतलब खुशी होती है कि हमारी वीडियो को इतना प्यार मिल रहा है कि हम और अच्छी वीडियो बनाएं। और जी, यहाँ पे हम इंजॉय कर रहे हैं मैक्रोनी, बहुत यम्मी बनी। तो ये दो दिन पर मैं अपनी शॉपिंग करने गई थी, आपको बताया था, तो ये मैं ड्रेस लेके आई थी, एक मैंने स्टिच कर लिया है और एक ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, और एक ये है, ये भी बहुत अच्छा कलर है इसका भी। तो ये मैं घर में पहनने के लिए किया हूँ रमज़ान में, तो माशाल्लाह से रमज़ान में नमाज़ पढ़ेंगे तो ज़्यादा ही इबादत करेंगे तो ज़्यादा सवाब है। तो एक ये इसकी फुल लुक आपको मैं दिखाऊंगी जब मैं पहनूंगी, तो अभी तो मैंने इनको स्टिच करने हैं सबको, तो कुछ मैंने सिलाई करके घर में पहन भी लिया। तो जी, ये साथ मेरे हस्बैंड की भी शॉपिंग है, ये मेरे हस्बैंड के ड्रेस थे साथ, तो उनके भी ये साथ लेके थी। यहाँ पे तो कलर का इतना नहीं पता चल रहा धूप में कपड़े कि मैं, ये मैंने आपको बताया था कि मैं नेम क्लॉथ हाउस से लेके आई थी, तो ये भी कलर सबके बहुत अच्छे थे, बस इनमें से एक कलर हमें अच्छा नहीं था लगा, वो हमने चेंज करवा लिया था। तो जिसको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा ताकि आने वाली मेरी वीडियो आपको देखने को मिले। तब तक रखिएगा अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।